नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज 14 जून है और आज विश्व रक्तदाता दिवस बड़े धूमधाम के साथ भारत और दुनिया भर में मनाया गया है। यानी आज का दिन मानवता के साथ खड़ा होने का है। बेझिझक खून का दान यानी रक्त का दान देना चाहिए। यह दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने बढ़ चढ़ कर मनाया और इसमें हिस्सा भी लिए। कानपुर से संकल्प के साथ दूसरी, और मैं आपको बता दूं, जो दुखी और बुजुर्गों बीमार व्यक्तियों की सहायता कीजिए और रक्त की ज़रूरत होगी तो उसे रक्तदान भी करेंगे। आगे एक रिपोर्टिंग देखिए, राजेश गुप्ता जी कानपुर से खास रिपोर्टिंग। आपके बीच में राजेश गुप्ता, एसीसी स्टाफ, स्टेट चीफ, वेस्ट यूपी, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि आज 14 जून 2020 है और आज के दिन हम लोग विश्व रक्त दाता दिवस मना रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि सब लोग जो है जहां जहां आज कैंप लगे हुए हैं वहां वहां जाकर आज अपना ब्लड डोनेट करें। और वास्तव में ये बहुत ही पुण्य का काम है जिसको आप आज जो है देना ना भूलें, इस ब्लड को और इस पुण्य को कमाना ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कि इस महामारी में हमारे हर जगह या देश में जो ब्लड की कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए हमारे समाज से भी हमारी संस्थाएं ब्लड कैंप लगा रही हैं और आज लगे हुए हैं। आप सब लोग जाके वहां पर अपना ब्लड दीजिए और हम सभी नव और नवयुवतियों से भी खासतौर से प्रार्थना करेंगे कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे देश में ब्लड की कमी ना होने दें। ये एक प्रकृति की देन है और इस प्रकृति की देन को हम अपने आगे बढ़ के ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा एक सामान दे रखा है जिसको कि हम मेन फैक्ट्री के द्वारा ही बना सकते हैं। इसके लिए कोई हम फैक्ट्री नहीं बना सकते, जो हमारी मेन मेड फैक्ट्री है उसी से हम ब्लड बना के अब सबको देंगे जिनकी जीवन रक्षा हम करेंगे। आपको पता है कि कई बार दुर्घटना हो जाती है, हमारे आर्मी के जवान घायल हो जाते हैं, कई लोग जो है किसी बीमारी के कारण उनको ब्लड कम हो जाता है, तो ये सारा ब्लड उस काम में आता है। और एक यूनिट ब्लड देने से आपके 4 लोगों की जो है हम जान बचा लेते हैं। बहुत सरल नियम है, आपको इसके जाने के लिए बस केवल 18 से 60 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, वजन जो है आपका 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको ब्लड देने के समय हमारे जो IMA के लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से जांच करते हैं। अगर आपका एलिजिबिलिटी है, अगर आपको ब्लड देने में काबिल हैं तो वो आपका ब्लड लेते हैं, अदरवाइज वो आपको सलाह देते हैं कि आप जो है ब्लड ना दें, आप जो है अपना आराम करें या आप जो है इस चीजों से बचें। वो आपकी एक तरह से काउंटर चेकिंग भी हो जाती है। तो ब्लड देने से देखिए कितने फायदे हैं, हम लोगों की जान बचाते हैं, हम प्रकृति की दी हुई देन को देते हैं। और जो मन में भ्रम है कि कोई कमजोरी हो जाती है या कोई इस तरह का आपको रोग हो जाता है, दिल से दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये एक सेवा है और ये मानव सेवा, कहीं भी किसी भी तरह से आप इसको कम मन होने दीजिए। इस विश्व रक्तदाता दिवस में हम सभी रक्तदाताओं को बार बार नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनको जय हिंद कहते हैं कि आइए इस COVID-19 में जहां कहीं भी ब्लड की कमी हो रही है, हमारा कोई भी मरीज ब्लड से जो है ना परेशान हो, और हमारी सारी संस्थाएं ब्लड के लिए बार बार सेवा कर रही हैं, बार बार लोगों को बुला रही हैं। आप सब लोग रजिस्ट्रेशन कराइए, अच्छे से ब्लड दीजिए और सब लोग बढ़ चढ़ के इस रक्त दिन को जो है रक्तदाता दिन को सफल बनाइए। यही मेरी आप सब लोगों से विनती और प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।